नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से आप सबके जाने पहचाने सुमित जैन जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सुमित जी। नमस्कार, जय हिंद। और आज तो दशहरा का भी है, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आपको भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई की, सच्चाई की विजय का दिन है, तो हमेशा सच ही जीते ऐसी हम कामना करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये सुमित जी कि हम लगभग एक साल पूरा हो गया, इनफैक्ट 7 अक्टूबर पिछले एक साल से हमने गाजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसको एस्केलेट होते हुए हमने देखा है। अब ईरान तक, लेबनान ईरान तक ये पहुंच गया है। और हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कितने ही लोगों की जान जाते हुए ह्यूमन राइट वायोलेशन और ये सब देखा है। इस पे बड़े लंबे समय से चर्चा हो रही है कि आखिर जो इसराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टाइन, इसका हल क्या है? आप इस पर क्या कहते हैं? एम्बर जी, सॉल्यूशन तो जो है वेस्ट ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई यहाँ पे सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जड़ तो इसराइल है, ना तो पैलेस्टीन में, क्योंकि वहाँ पे जो हमास वाले हैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, ना हिजबुल्ला गलत काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वेस्ट ने दिया है कि टू नेशन थ्योरी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अब वो क्यों बोलते हैं पहले तो उसको समझना पड़ेगा, और उसके बाद आते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन पूरे दुनिया में अगर शांति लेकर आनी है तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। आप देखिए कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जब भारत में थे, भारत से जाने से पहले वो टू नेशन थ्योरी हमें दे गए। अब पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश बाद में बना है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दो कंट्रीज बना दिए, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान और भारत, ताकि मुसलमान अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टू नेशन थ्योरी कर दी। फिर कश्मीर का मामला आया तो वहाँ पर भी उन्होंने टू नेशन थ्योरी कर दी, आधा उनको दे दिया आधा हमें दे दिया, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और देखिए कितनी शांति से पाकिस्तानी भी रह रहे हैं और भारतीय भी रह रहे हैं, उधर से जो कश्मीरी हैं वो भी कितनी शांति से, आधे उधर हैं आधे इधर हैं, शांति से रह रहे हैं। फिर आपने देखा होगा कि जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को भी टू नेशन थ्योरी इन्होंने बना दी। दोनों कितने ही प्यार से रोज़ जफियाँ डाल रहे हैं मिज़ाइल्स के थ्रू। इधर इन्होंने चाइना और ताइवान में भी टू नेशन थ्योरी बना दी। तो आप देखिए वहां पर भी कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला ये ब्रिटिशर्स ने दिया। जर्मनी था तो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी कर दिया, दीवार बीच में खड़ी कर दी, बड़े ही भगंडे डाले जा रहे थे दोनों तरफ से, और भगंडे डालते डालते जब उन्होंने टक्कर मारी तो दीवार टूट के नीचे गिर गई। तो आपने देखा कि जो इनकी टू नेशन थ्योरी होती है, जो इन्होंने अब बोलना शुरू कर दिया इसराइल वालों को कि भाई आपकी जो जमीन है उसमें जो हमास वाले हैं वो कहते हैं कि हमें पैलेस्टीन की अलग से कंट्री दे दो। एक फॉर्मूला आपके सामने है, जब पूरे दुनिया में इतना सक्सेसफुल फॉर्मूला था टू नेशन थ्योरी का, आप वहां पर इंप्लीमेंट कर दीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब आते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन, मैंने पहले बोला एक तो है जो सॉल्यूशन इन्होंने दिया जो हमेशा ही इन्होंने पूरे दुनिया में इंप्लीमेंट किया है सक्सेसफुली। अब आते हैं कि सुना है मैंने कि जो यूके है वहां पर जो ये जिहादी वहां पहुंच गए हैं वो कहते हैं हमने शरिया करना है यहां पर, इसे इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना है, और जो बाकी का पैलेस है उसे तो मस्जिद में कन्वर्ट करना है, और जो वहां पर क्वीन है वो बुरके में आएगी आगे से, वो बुरके के बिना बाहर नहीं आ सकती। तो मेरा तो कहना है इन वेस्टर्न पावर्स को, भाई टू नेशन थ्योरी आपकी इतनी सक्सेसफुल मॉडल है, आप एक काम कीजिए यूके के अंदर आप एक टू नेशन थ्योरी बना दीजिए, स्कॉटलैंड हो या जो लंदन के पास एरिया है आप लंदन दे दीजिए इन सभी को कि भैया ये कंट्री दी आपको, आप वहां पर खुश रहिए, और जो गोरे जो वहां के नेटिव्स हैं वो अपने अलग से कंट्री, जो बची खुची कंट्री रह जाएगी उसमें वो खुश रहेंगे, तो टू नेशन थ्योरी वहां पर बन सकती है। तो आप पहले, क्योंकि आपके पास दिमाग इतना है वेस्टर्न पावर्स के पास, तो आप क्या कीजिए, तो हमें तो समझ नहीं आई कि टू नेशन थ्योरी बनाने के बाद हम सक्सेसफुली इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि आप नेशन तो बना के चले गए लेकिन इसको चलाना कैसे है? हमें तो अकल नहीं है, अकल तो आपके पास है, तो आप टू नेशन थ्योरी अपने कंट्री में बनाइए और उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके दिखाइए कि इसको लीड बाय करते कैसे। एग्जांपल, लीड बाय हाँ, एग्जांपल। तो वॉक लीड बाय एग्जाम्पल एंड वॉक द टॉक, टू नेशन थ्योरी आप अपने कंट्री में इंप्लीमेंट कर हमें सिखा भी दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो अकल नहीं है। दूसरी बात, अब कनाडा में आते हैं,
अब कनाडा के अंदर भी उन्होंने सारे खालिस्तानियों को जगह दी हुई है कि खालिस्तान बनाना है। अब कनाडा के पास आधी से ज़्यादा कंट्री तो खाली पड़ी है, तो भाई खाली जगह पे खालिस्तान बनाकर आप उनको दे दीजिए और सारे खालिस्तानी आपके कंट्री में हैं, और हमारे कंट्री में तो कोई खालिस्तान की डिमांड कर नहीं रहा। और अगर कोई कर भी रहा होगा, कोई एक दो पाँच लोग पंजाब के अंदर, मैं पंजाब से आता हूँ, मुझे मालूम है कि वहाँ पर कोई खालिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं है, अगर कोई वहाँ पर दो चार पाँच लोग है भी हैं, हम भेज देंगे, टिकट मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, खालिस्तान आप कनाडा में बना दीजिए, टू नेशन थ्योरी वहां पर हो सकती है। अब ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर जो कैलिफोर्निया वाले हैं, टेक्सास वाले हैं, वो चाहते हैं कि हम आराम से शांति से रहें, वो आपसे हर रोज लड़ाई भी करते हैं, आप टू नेशन थ्योरी के हिसाब से उनको अलग से कंट्री दे दीजिए। भाई आप जब दूसरे कंट्रीज में जाकर वहां पे विभाजन करते हैं, वहां पे कहते हैं कि यार इतना हिस्सा किसी और को दे दो, शांति हो जाएगी इस एरिया में, और हमने उसका सक्सेसफुल फॉर्मूला भी देख लिया। आप एक काम कीजिए, आप अपनी कंट्रीज में, यूके में, कैनेडा में, यूएसए में, इवन फ्रांस और जर्मनी के अंदर भी यही स्यापा है कि भाई हमें तो शरिया चाहिए, आप टू नेशन थ्योरी के हिसाब से वहां पर भी अलग अलग पॉकेट्स बना दीजिए और हमें चलाकर दिखाइए, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका का फॉर्मूला भारत में या बाकी कंट्रीज में इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आए, लेकिन फ्रांस बेटर कर सकता है, ब्रिटिशर्स तो बड़े ही माहिर हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो हो सकता है उनका फॉर्मूला हो, तो हम बारी बारी इनके सबके फॉर्मूले भी डिफरेंट हो गए ना, तो हम कभी उसका फॉर्मूला अप्लाई लिया, कभी किसी का कर लिया, तो जब ये इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए इनका एग्जांपल देखकर। तो मेरा अपना मानना है कि वॉक द टॉक, डेमोक्रेसी के आप चैंपियन है, ह्यूमन राइट्स के भी आप चैंपियन है, देखिए वेस्टर्न पावर्स, तो आप टू नेशन थ्योरी के हिसाब से आप सारी चीजें, डेमोक्रेसी का भी आप जो है हत्या भारत कर रहा है आज की डेट में, इसराइल भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, तो आप ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली अपनी कंट्री में करके दिखाइए, वॉक द टॉक, एंड हम सीख कर, क्योंकि फ्री लेसन आप हमें देंगे यूट्यूब के ऊपर, तो हम उसके ऊपर फिर दोबारा से इंप्लीमेंट करेंगे और सारी दुनिया में शांति होती हुई आपको दिखाई देगी। एम्बर जी, मुझे लगता है कि आपकी जो वीडियोस हैं, क्योंकि एक तो टॉप मैनेजमेंट सारी देखती है, ऊपर से मोदी जी तक भी वीडियोस पहुंचती हैं, और मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो वहां पर स्पेशली जाकर दिखाते हैं कि एम्बर जी जो वीडियोज आई हैं सुमित जैन के साथ, आप ये देखिए, तो भैया वो सारे बैठ कर ये वीडियो को देखेंगे, उनको समझ आ जाएगा कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं, छोटी बात नहीं है ये, तभी मैंने आपको बोला कि वीडियो तो आपके साथ ही बनाना पड़ता है ये। बिल्कुल, लेकिन ये जो आपने इतना अच्छा सोल्यूशन दिया है, आपके दिमाग में आएगा। देखिए अमर जी, क्या होता है कि मैं यहाँ पे मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मेरा तो काम है कि जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से उखाड़ के फेंकला कैसे है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम टू नेशन थ्योरी की इनके दिमाग में इसलिए आती है क्योंकि डिवाइड एंड रूल का जो इनका सिस्टम है, ये डिवाइड एंड रूल में करते क्या है, मैं सारी जड़ों का, जो सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है पूरी दुनिया का, उसको सॉल्व कर दिया। मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मेरा काम है ये कि प्रॉब्लम को हमेशा जड़ से ख़त्म कैसे करना है। ये क्या करते हैं, आपको टू नेशन थ्योरी कर दी, अमेरिका होगा वो भारत की सपोर्ट नहीं करेगा, वो पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा, आपको फिर दिखता है कि दूसरी तरफ से यूरोप होगा या रशिया होगा वो भारत की सपोर्ट करेगा, उधर से रशिया हमें हथियार बेच रहा है, पाकिस्तान को अमेरिका हथियार बेच रहा है, मार्केट हथियार बेचने की ही है। और ये टू नेशन थ्योरी हमेशा ही दो लोगों को लड़ाने का एक बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है जिसको डिवाइड एंड रूल बोलते हैं। आपको ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, इनको बोलो भैया आप अपनी कंट्री में टू नेशन थ्योरी कीजिए, आप अपने हिस्से को काट कर किसी और को दीजिए ना, दूसरों को बोलते हैं काट कर दे दीजिए, आप अपना कुछ काट के दे दीजिए, नहीं करेंगे। और जिस दिन आप इनके मुँह के ऊपर ये चीज़ें बोलना शुरू करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब आप सोच के देखिए, ये हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला को कुछ कंट्रीज हैं जो हथियार बेच रही हैं, इसराइल को कोई और बेच रहा है, दोनों तरफ हथियार बेचे जा रहे हैं कि आपस में लड़िए, फायदा और किसको हो रहा है और नुकसान किसको है, ये आपके सामने है। नुकसान पूरे वर्ल्ड का है, फायदा कुछ चंद कंट्रीज हैं जिसको वेस्टर्न पावर्स बोलते हैं, डीप स्टेट है, या जो वहां पर हथियार बनाने वाली कंपनीज हैं उनको फायदा है। ये उस चक्कर में सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मोदी जी को चाहिए कि वहां जाकर, जैसे वो एडवोकेट करते हैं कि हमारे यहाँ पर जी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, हमने तो इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर निज्जर था उसको मार दिया, एक सूखा था उसको गीला कर दिया, तो उसके बाद अभी पन्नू है उसका पकौड़ा बनने वाला है, तो जब उनको लगता है कि इतने बड़े प्रोमिनेंट सिख लीडर्स को हम मारते जा रहे हैं, ये हाँ वो पन्नू में पकौड़ा इसलिए बोला है क्योंकि हमारे लुधियाना में बड़ा फेमस है एक पन्नू पकौड़े वाला, तो मैंने इसलिए बोला है, वो लुधियाना वाले समझ जाएंगे मैं किस तरफ इशारा दे रहा हूँ, पन्नू पकौड़े वाला बड़ा ही फेमस है, तो इसका तो पकौड़ा बनना ही बनना है। तो इसलिए वो जो ह्यूमन राइट्स के चक्कर में हमें घेरने की कोशिश करते हैं, भाई आप करके दिखाओ ना,
आप खालिस्तान बना दीजिए भाई, पन्नू तो यूएसए का भी सिटीजन है और कनाडा का भी है, आप एक छोटा सा खालिस्तान ऐसा कीजिए जो कनाडा का बॉर्डर है उसके पास, आधा इधर दे दीजिए आधा उधर दे दीजिए, दोनों का भी काम हो जाएगा और जो खालिस्तानी है वो भी खुश हो जाएंगे कि साड़ी जड़ी है असली मल्टीनेशनल है। सारे इधर उधर के खालिस्तानियों के लिए, इधर से हाँ जाओ वो उधर सबको से बफर जाओ। हो जाएगा, और ऊपर से क्या होगा कि जो खालिस्तान होगा वो एक कंट्री की बजाय वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी, दो दो कंट्री में होगा तो मल्टीनेशनल हो ही गए ना, तो एक कंट्री में रहेगा तो एक ही कंट्री का है। तो मैं खालिस्तानियों को भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे खालिस्तान बहुत ज़्यादा है, इवन कनाडा के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, अगर दोनों को कवलअप कर दिया जाए तो आपको एक तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई, तो दो कंट्रियाँ हैं आपके पास सपोर्ट करने के लिए, राजस्थान की और पूछ खालिस्तान का करे खालिस्तान। हिंदी के, उसने आता था टेस्ट पेपर में राजस्थान की पूर्ति करे। तो ये वेस्टर्न पावर्स को मोदी जी को बोल देना चाहिए, और अगर नहीं बोल सकते आप तो सुमित जैन इसी के लिए आया है यहाँ पर कि इन सबकी वाट लगाने के लिए, जब तक आप आप रिक्त स्थान इनकी की पूर्ति, भाषा आपने में, लगते आपके स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल था उसमें आपने रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं की, आज आप रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहे हैं। देखो मेरा ब्रिटिश स्कूल था तो उसके अंदर ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी, तो वहां तो डिवाइड एंड रोल ही पढ़ाए, हिंदी लैंग्वेज था ही नहीं सब्जेक्ट। बहुत कम है, मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है हिंदी का, और हिंदी भी जो मेरी है अभी जो टूटी फूटी आप सुनते हो वो आप समझ सकते हो कि मेरी हिंदी कैसी है, बट सॉल्यूशन मैंने दे दिया आपको। मोदी जी की टीम को चाहिए कि वहाँ जाकर टू नेशन थ्योरी की बात हर कंट्री में जाकर करें, वो जब भी बोलते हैं कि सर बड़ा गलत हो रहा है ये प्रोमिनेंट लीडर्स के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं, किसको गीला कर दिया किसी को सूखा कर दिया, ये काम आप मत कीजिए, जब वो बोलते हैं तो आपको टू नेशन थ्योरी तो वहां पर इंप्लीमेंट करने की सलाह दे ही देनी चाहिए, आप करके तो देखिए एक बार, उसके बाद जो आपके अंदर यहाँ पे पंगे डालने की कोशिश करते हैं वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली, और यही सबसे बड़ी बात है कि यूएस और कनाडा खासतौर से जो खालिस्तानी है और जो इस तरह के मोमेंट हैं इंडिया मोमेंट चलाते हैं, उनको बड़ी मजबूती देते हैं, एड देते हैं उनको स्पेशल, बहुत सारे लोग हैं मतलब हम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ आप आके फिर भारत को आप ये लेक्चर पे देते हैं, वो नाइट का कोएलिशन इसका उसका, अपनी सॉवरेनिटी की भी बात करते हैं, तो भाई हमारी सॉवरेनिटी की बात क्या, जब आप हमारे सारे गुंडे मवालियों को जो पूरा देश को बांटने की बात करते हैं उनको अपने देश में रखकर फिर आप आपको ह्यूमन राइट का दर्स देते हो, तो बड़ी अजीब सी बात है, हिपोक्रेसी है। आपने बिल्कुल सही कहा, लीड बाई एग्जाम्पल, वॉक द टॉक, आप अपने देश में टुकड़े कर लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएस कनाडा में इशूज नहीं है, वहाँ पे एफ्रो अमेरिकन के इशूज हैं, बहुत सारे इशूज हैं अलग अलग उसमें, तो तब अपने अपने टुकड़े कर दीजिए आपको, खैर ये बात अलग है। लेकिन हम जब ओरिजिनल हमने जो बात शुरू की थी इसराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की, उसका आपको सोल्यूशन बाकी में असलियत में क्या नजर आ रहा है, क्या सोल्यूशन हो सकता है अदर देन दिस? अंबर जी इसको थोड़ा सा और अब डीपली चलते हैं, पैलेस्टीन वालों की डिमांड एक ही है कि हमें अलग से कंट्री दे दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि यही डिमांड बाकी भारत के अंदर भी करी गई थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अपनी अलग से कंट्री चाहिए। क्या अलग से कंट्री लेने के बाद वो हटे? उसके बाद भी आप देखते हैं कि वही सेम काम चल रहा है, वो स्यापा तो खत्म हुआ नहीं है। अब वो वहां पर लेने के बाद उनको कश्मीर चाहिए, कश्मीर लेने के बाद बोलते हैं कि यूपी में तो हमारे जी 25 करोड़ जिहादी रहते हैं, हमें वो वाला एरिया भी चाहिए। जब वो ले लेंगे फिर वो बिहार बोलेंगे, वेस्ट बंगाल तो ऑलरेडी तैयार कर लिया, केरला भी चाहिए, हैदराबाद भी चाहिए, जूनागढ़ तो देखो उनका था ही। तो ऐसे करते करते ये तो रुकने वाले नहीं है, यही चीज वो इसराइल पैलेस्टीन वाले भी बोलते हैं कि आज हम हमें अलग से कंट्री दे दीजिए, हम चुप कर कर बैठ जाएंगे। और जब वो ले लेंगे उसके बाद कहेंगे हमारी किताब में लिखा है जब तक आखिरी जो है ज्यूज ये खत्म नहीं होते तब तक आपने टिक के बैठना नहीं है, यानी कि उसके बाद फिर इसराइल के ऊपर शुरू हो जाएंगे। दैट मीन इसका फॉर्मूला कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जब तक बेस को आप ठीक नहीं करते, बेस ही गलत है कि हमने किसी और को बर्दाश्त नहीं करना जब तक सारी दुनिया एक ही मजहब को फॉलो करना शुरू ना कर दे। तो इसका इलाज वही है जो चाइना करता है कि अगर किसी ने इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, बच्चा भी पैदा करना है, आपको प्रेसिडेंट ऑफ चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम अगला जिहादी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमें परमिशन दे दीजिए, परमिशन मिलती ही नहीं है। या जो इसराइल कर रहा है, अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके यहाँ पर उग्रवादी हो आप उसको पनाह देंगे या उसे मार देंगे या उसे इन्फॉर्म करेंगे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं कि भाई इसका इलाज कीजिए? आज अगर इसराइल
हिजबुल्ला के पूरी की पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, सारे ऑपरेटिव्स को ख़त्म कर दिया, क्या गुनाह किया? आज अगर उसने ये काम किया है अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया है, उनके जो हथियार वहाँ पर 15,000 मिसाइल्स उन्होंने इकट्ठे करके रखी हुई थी उसको उसने ब्लो अप कर दिया, उसने अपनी कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को सेव किया है। नहीं तो ये जिहादी एक ही काम करते, जितने ज्यूज़ हैं पूरे इसराइल को ये ख़त्म करने की कोशिश करते। इसको बचाने के लिए जो इसराइल कर रहा है, इट्स अ परफेक्ट फार्मूला एंड दिस इज़ द ओनली फार्मूला। पागलपन, जो जो बोलते हैं कि कोई कुत्ता अगर पागल हो जाए उसे गोली मार दी जाती है या उसे पागल जो डेथ का इंजेक्शन है वो दिया जाता है। और आज दशहरे का दिन है, हमारे राम जी ने एक ही चीज़ हमें सिखाई है कि जो जानवर होता है उसे मारा जाता है, राक्षस का वध किया जाता है, और सॉल्यूशन एक ही है, ये राक्षस है, इन राक्षसों का सिर्फ वध ही होता है। और इसराइल और चाइना दोनों हमें फ्री लेसन ऑनलाइन हर रोज़ दिखाते हैं कि राक्षस का वध कैसे घर में घुसकर बार बार किया जाता है, एक दो बार में सर्जिकल स्ट्राइक से राक्षस का वध नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि ये सल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम इसकी बात करते हैं, आम लोगों की बात करें, उनकी कोई गलती नहीं है, जिस तरह के प्रॉक्सीज होती है वो अपने एजेंडा के साथ चलते हैं, लेकिन आम लोगों को मुझे लगता है कि एक बेटर नैरेटिव और कोएग्जिस्टेंस के साथ आने की जरूरत है। जो लीडरशिप है उनको इस चीज में सोचना चाहिए कि फिर हम किस तरह से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर जगह है। आपको यूरोप में चले जाएं, आप भारत में चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, जो ग्रुप्स विद इन द ग्रुप्स हैं वो आपस में कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये जो कोर इशू है उसको एड्रेस करने की जरूरत है सही तरह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई भी लीडरशिप या इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जी, इसका सॉल्यूशन कब आता है? इसका सॉल्यूशन तब आता है कि जब ये जो गंदे अंडे हैं, ये जो सारा टेररिज्म का काम करते हैं, इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, ये हमेशा 5-10-15% लोग ही होते हैं, बाकी के 85% जो लोग हैं वो नहीं चाहते ये सारे काम हो। जिस दिन वो 85% लोग वो बाहर सड़कों पे आएंगे कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दीज थिंग्स, दैट इज़ द डे व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। लेकिन मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया में वो 85% लोग कभी बाहर निकलते ही नहीं हैं। आपको सड़कों पर या जो किसने अपने आप को फोड़ लिया, किसने गोलियां चला दी, किसने अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और उसमें भारत गलती से अगर हार भी जाए तो यहाँ पर भंगड़े डाले जाते हैं और यहाँ पर जब पटाखे चलते हैं तो किसने आखिर विरोध नहीं किया? जब भी कोई गलत काम होता है, जैसे हमास के लोगों ने इसराइल में जाकर गलत काम किया, तो आपको पूरे पैलेस्टीन में भंगड़े डलते हुए दिखाई दिए, बच्चों तक, इतना रेडिकलाइजेशन है कि किसी ने आकर वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये दरिंदगी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस दिन जो बाकी के 85% लोग हैं या 80% लोग जो भी हैं, मुझे नहीं मालूम वो परसेंटेज कितनी है, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन हम ये समझते हैं कि वो रेडिकलाइज नहीं है, वो पागलपन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द डे दे कम ऑन द रोड्स You will find a transformation happening, जो बाकी के 15-20% लोग हैं उनको भी लगेगा कि अब हमें सपोर्ट मिलनी बंद हो रही है, we will have to reduce it। वो जैसे ही अंडरग्राउंड जाएंगे तो उनका भी जो माइंड है वो चेंज होगा। यानी कि जो हमने एक टू नेशन थ्योरी आपको बताई है यूरोप के लिए, वही टू नेशन थ्योरी इनके साथ भी करनी पड़ेगी कि इन 85% लोगों को सड़कों पर लेके आने का काम ये गवर्नमेंट का काम है, या जो भी फोर्सेज हैं वो इनको सड़कों पर लेकर आएँ to fight and speak against the rest। मैं यही काम मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बताया है कि खालिस्तान के नाम पर ये 0.5% भी नहीं, 0.001% लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कनाडा के अंदर भी और भारत के अंदर भी। जो बाकी के 99.9% लोग हैं उन्हें सड़कों पर आना चाहिए, उन्हें भी वीडियोज़ बनानी चाहिए कि भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम हमारा नाम खराब कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि राहुल गांधी अमेरिका में गया, उसने सिखों के लिए बोल दिया कि देखिए भारत भारत में ये तो अगर टर्बन लगाना चाहें तो लगाने की परमिशन नहीं है, गुरुद्वारा जाने की परमिशन नहीं है। और पंजाब में चंडीगढ़ के अंदर एक सिख ने एक वीडियो बनाए कि तुमने हमारे लिए ये गंदी बात बोल कैसे दी, तुम्हारी दादी का वध हमने किया था, तेरा वध भी मैं करूँगा। जिस दिन ये बातें शुरू होंगी उसके बाद राहुल गांधी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। यही चीज़ें होती हैं, जो आदमी रेडिकलाइज नहीं है जिस दिन वो सड़कों पे आकर या सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ को उठाएगा, इनकी आवाज़ अपने आप ही बंद होनी शुरू होगी। एंड दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ नोबडी थिंक्स एंड नोबडी टॉक्स
ऑफ दिस 85% लोग, या जैसे खालिस्तानियों के लिए है जो सिख कम्युनिटी है, खालिस्तानियों में और सिखों में फ़र्क है, जो 99.9% सिख हैं जो इनके साथ नहीं हैं, उनको बाहर लेके आने का काम किसी ने किया ही नहीं। एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है कि गलत के खिलाफ अगर आप सुनकर बैठे हैं चुपचाप, तो आप भी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हैं। तो जहाँ कहीं भी जब देश की बात आती है, देश और समाज को बांटने के टुकड़े करने की बात आती है, तो वो जो सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं उनको बाहर आकर उसको कंडेम करना और अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है देश हित में और समाज के लिए। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सोल्यूशन आपने दिया इस समस्या का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।